हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वेदिक कॉलेज। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं BHIC 103, इग्नो का जो सब्जेक्ट है उसका यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था आपका सिंथियंस के बारे में, पार्थियंस के बारे में, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुशांस के बारे में मेजरली, ठीक है। और ये सब कब के हैं, ये सारे के सारे तब आए हैं, पोस्ट मौर्यन पीरियड में सारे के सारे डायनेस्टीज आई हैं, ठीक। तो आपको उन्हीं में से एक सबसे मानी हुई डायनेस्टी है कुशांस की, ठीक है। उनमें से एक रूलर का नाम आपने डेफिनेटली सुना हुआ है कुशानों का, वो है कनिष्क। कनिष्क का नाम तो 100% आपने सुना होगा अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो, ठीक है ना। तो कुशांस थे कौन? कुशांस भी एक नोमैडिक ट्राइब का पार्ट थी, ठीक है। एक नोमैडिक ट्राइब थी, UHE नाम था उसका, ठीक। और उन्हीं UHE ट्राइब 5 मेंबर्स में बटी हुई थी, 5 क्लैन में बटी हुई थी, और उनमें से एक क्लैन थी कुशांस की, ठीक। ये लोग पहले रहते थे सेंट्रल एशिया में रहते थे ये लोग, लेकिन इनका अपनी जो UHE ट्राइब में दूसरी क्लैन थी श्योंगनू, उनके साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स बैक्ट्रिया अराउंड 165 से 128 BC के आसपास में, ठीक। फिर वहां से ये लोग धीरे धीरे अपना ऑन फैलाते हैं, ठीक है, अंपायर को फैलाते हैं, और ये कहीं ना कहीं वन ऑफ द बिगेस्ट अंपायर बनाते हैं नोमैडिक ट्राइब्स का, ठीक। और इनका जो शेयर ऑफ इन्फ्लुएंस था वो कहाँ कहाँ था आपका? उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पार्ट्स ऑफ चाइना, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पूरा, है ना, और यहाँ तक कि मथुरा तक भी ये लोग थे। मथुरा, गंगा, पाटलिपुत्रा तक भी इनका राज था, भागलपुर तक था बिहार के, वहाँ तक राज था इनका, ठीक है। तो इसको आप देखो, यहाँ पे देख लो, ये पूरा ये बैक्ट्रिया का एरिया है, है ना, जो आजकल उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान के अंडर कहीं पे आता है, ठीक। फरगना वगैरह देख लो, फरगना आपका उज्बेकिस्तान में है प्योर। तो ये वाला जो है इसका पूरा, ये पूरा अफगानिस्तान हो गया, आर्कोएशिया साउथ अफगानिस्तान का एरिया बोलते हैं, ठीक है, गैदरोशिया, ठीक। ये पूरा साकेत तक फैले हुआ, मथुरा साकेत तक, और फिर थोड़ा टाइम बाद ये लोग पूरा का पूरा चंपा तक भी आए हुए थे ये लोग, ठीक है। ये चंपा जो दिखाया हुआ ना, चंपा भागलपुर की कैपिटल चंपा होती थी, वहाँ तक, यहाँ तक भी इनका राज था, ठीक है। इनके कॉन्टेम्प्रेरी कौन कौन दिखाए हुए हैं आपको? सातवाहनास, पांड्यांस, चोलास, ठीक है, ये लोग थे। वेस्टर्न क्षत्राप्स भी थे इनके कॉन्टेम्प्रेरी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कितना बड़ा इनका एरिया फैला हुआ है, आप देखो चाइना में भी है, काशगार एरिया चाइना में है, कूचा, तुर्फान, मंगोलिया में भी इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, ठीक है। तो बहुत इनॉर्मस इनका एम्पायर था जो इनके राजा थे। अब इनके बारे में ज़्यादातर चीज़ें ना या तो हमें क्वाइंस से पता चल रही है, या फिर हमें पता चल रही है किससे आपके, या तो फिर हमें पता चल रही है इनके इंस्क्रिप्शन से, है ना, जो जहाँ तहाँ इंस्क्रिप्शन अलग अलग मिले हैं इनके, ठीक। इन्हीं में से एक इंस्क्रिप्शन है रबाता के इंस्क्रिप्शन, जो अफगानिस्तान के एरिया में मिला है, पोली खुमरी एरिया में। वो बताता है कि कुशांस का कंट्रोल गंगा वैली पे भी था, ठीक है, ये बैक्ट्रियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, है ना। फिर हमें एक उनके जो राजाओं की अगर बात करें कि कौन कौन से राजा थे, तो एक उन आप उनके जो मेन राजा था वो था कुजल कुडफिस, नाम बहुत टफ है यार, खैर एनीवेज, कुजल कुडफिस नाम था जो फाउंडर था इनका, ठीक। उसके बाद आया विम तक्तु आया, लेकिन विम तक्तु के बारे में उतना ज़्यादा कहीं पे कॉइंस वाइंस में नहीं मेंशन है। हाँ, इंस्क्रिप्शंस में कुछ एक देखने को मिला है हमें, और उसकी मूर्तियाँ वगैरह भी हमें मिली हैं, जो आप आगे आप पढ़ोगे डायनेस्टिक की जो स्क्रिप्चर्स बनाए हुए थे, डायनेस्टिक का जो रिलीजियस टेम्पल्स वगैरह बनाए हुए थे उन लोगों ने, वहाँ पे विम कटकू कहीं ना कहीं मिलते हैं डायनेस्टिक सेंचुरीज में, ठीक है, वहाँ पे उसके फिगर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, विम कटकू। तो रबातक इंस्क्रिप्शन में भी मेंशनड है विम टक्टू के बारे में, ठीक है, विम टक्टू के बारे में रबातक इंस्क्रिप्शन में भी मेंशनड है कि वो कुजल कडफिस के बाद और विम कडफिस से पहले था। विम कडफिस कौन था?
कनिष्क का फादर था, ठीक है। और विम टक्टू का जो टाइटल था वो था किस, क्या सोतर मेगास, मतलब ग्रेट सर्वाइवर। अब आप जानते हो कि ये लोग आए थे सेंट्रल एशिया से, तो ऑब्वियस सी बात है जब इंडिया आए होंगे तो इन लोगों ने का बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल पॉलिटिकल चेंजेस भी लाए होंगे, इकोनॉमिक चेंजेस तो लाए लाए थे, ये बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स वगैरह चलने लगे थे, रिलीजियस चेंजेस भी लाए, और कल्चरल तो ऑब्वियस सी बात है कल्चरल चेंज तो होना ही हो था, ठीक है। इनसे रिलेटेड हिस्ट्री के बारे में हमें ज़्यादातर चीज़ें कैसे पता चलती है, आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन किया गया वहाँ से मिली चीज़ें, है ना, हिस्टोरिकल आर्ट एविडेंसेस हैं, कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, इन सब से हम इनकी हिस्ट्री को रिडेवलप कर सकते हैं। कनिष्क जब रूल कर रहा था तो उसका रूल किस चीज़ को कवर करता था, ट्रांसोक्सानिया को, बैक्ट्रिया को, जो एरिया है वहाँ भी, है ना। तो जो सिल्क रूट था वो इसी एरिया से होके गुजरता था और उस पर कनिष्क का राज था, तो सिल्क रूट सबसे प्रॉफिटेबल रूट में से एक था, ठीक है। तो इस चलते कनिष्क का रूल के टाइम में पैसा काफ़ी कुछ काफ़ी था, साथ ही साथ कनिष्क का जो एम्पायर था उसका कांटेक्ट इंडो रोमन ट्रेड पे भी था, ठीक। इंडो रोमन ट्रेड किधर से होता था, इंडिया के वेस्ट कोस्ट से होता था और डायरेक्टली जाता था किधर, मेडिटेरेनियन जाता था वो, है ना, वाया जो आज भी रूट है उधर से। अगर अर्ली डेज की बात करें हम, ठीक, तो फर्स्ट रूलर हमने डिस्कस किया कुजल कोडफिस था, है ना, उसने कौन सा टाइटल लिया, ग्रेट किंग, किंग ऑफ किंग्स, है ना। और ये उसने अपनी जो टाइटल्स थे वो छपवाए किस पे, शार्क पार्थियंस के जो इशूड कॉइन्स थे उनके ऊपर भी उन्होंने कब्जा करके उसको उस पर ठप्पा मरवा दिया, अपने तो इशू किए के साथ में उनके सिक्कों पे भी कहीं ना कहीं कर दिया था। और कुजल कडफिस ने पांचों जो ट्राइब थी यूएचएस की उन सबको यूनाइट किया और इंडिया में सक्सेसफुल सक्सेस प्राप्त की। उसका मेन सेंटर जो था कुजल कडफिस का काबुल और कश्मीर था, ठीक है। रबातक इंस्क्रिप्शन के हिसाब से थर्ड रूलर जो था उशान डायनेस्टी का वो था विम खडफिस, ठीक। और उसको एकदम मतलब सुपर ह्यूमन टाइप में दिखाया गया है कि वो क्लाउड से इमर्ज कर रहा है, ठीक, उसका एक फिगर था। तो ये क्या दिखाता है कि डिवाइन स्टेटस दिखा रहा है ना। और उसमें ये भी बताया गया है कि जो किंग है उसको अधिकार है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को सजा भी दे सकता है, ठीक। एक इंस्क्रिप्शन मिली है दस्त ए नावूर इंस्क्रिप्शन विम खडफिस की, जिसमें उसको दिखा डिस्क्राइब किया गया एज ए लॉ ऑफ लिविंग वर्ल्ड, ठीक। फिर दूसरा एक और रूलर था वशिष्ठ का, उसने टाइटल ले ले रखा था किसका, देव मानुष का, देव मानुष मतलब गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। ये कौन सी इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, कामरा इंस्क्रिप्शन से। फिर रबातक इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है तो आप याद रखना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो रबातक इंस्क्रिप्शन में कनिष्क वन को टाइटल दिया गया है क्या, बागो, बागो का मतलब होता था गॉड हिमसेल्फ, ठीक। तो कनिष्क ने अपने आप को कहीं ना कहीं उपाधि दे दी, पहले उसको बोला जाता सन ऑफ अ गॉड, अब वो उसको उसने अपने आप को प्रमोट कर लिया और बोलने लग गया कि मैं गॉड खुद हूँ, मैं खुद गॉड हूँ, ठीक है। टेरिटोरियल एक्सपेंशन, बहुत टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया इन लोगों ने, दबा करके किया, है ना, खास करके कनिष्क वन ने किया। आप जानते हो इनका जो पूरा का पूरा एरिया था वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, इंडिया में तो साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्रा, श्रीकंपा तक चला गया था, श्रीकंपा मतलब चंपा तक है, मथुरा में एक कोलासल बड़ा सा स्टैचू हुआ करता था कनिष्क का, ठीक है, जिसमें ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था ग्रेट किंग, किंग ऑफ किंग, सन ऑफ गॉड, ये सब टाइटल लिखा हुआ था। तो इतनी वास्ट इनका एम्पायर था कि इनको यूनिवर्सल एम्पायर बोला जाता था, चक्रवर्ती बोला जाता था, और ये लोग जो अपना टाइटल्स लेते थे वो कहें कौन कौन से टाइटल बोरो करते थे, ये लोग पर्शियंस का, चाइनीज का, रोमन्स का, ठीक है, जैसे महाराज, आदिराज, देवपुत्र, सौतर, सेवियर, कैसर, सीजर, जूलियस सीजर का। तो ये तो ग्रीक हो गए, है ना, ग्रीक रोमन टाइटल्स हो गए, और ये वाले कहीं ना कहीं
इंडियंस के टाइटल्स हो गए। इस तरीके से चाइनीज और रोम पर्शियन टाइटल भी हैं जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बट वो लोग रखते थे वो टाइटल्स भी। क्यों रखते थे, अभी आप पढ़ोगे जब रिलीजन के बारे में, अभी हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे ना, तो आप जानोगे कि किस तरीके से इन्होंने रिलीजन को कितना बैलेंस करके रखा, क्योंकि डाइवर्सिफाइड फील्ड में डाइवर्सिफाइड रिलीजन्स चल रहे थे, है ना। ईरान की तरफ दूसरा रिलीजन था, ग्रीक्स दूसरा रिलीजन फॉलो करते थे, इंडिया में अलग रिलीजन फॉलो होता था, है ना, सेंट्रल एशिया में अलग रिलीजन फॉलो होता था, पर इनका राज हर जगह था। तो इन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से रिलीजन को मैनेज कर रखा था, आप अभी देखोगे आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं सबके टाइटल ले रखे हैं, सबको खुश करके रखा हुआ था। एक और इंस्क्रिप्शन की बात होती है, शाहजी ढेरी रेलिक कैस्कट इंस्क्रिप्शन, जिसपे मेंशन्ड है सिटी ऑफ पुरुषपुर, पुरुषपुर आज का पेशावर, ठीक है, जिसका नाम चेंज करके रख दिया गया था क्या, कनिष्पुरा, कनिष्कपुरा। अब एक सिटी का नाम चेंज करके उसके एम्पायर का नाम कर दिया जाए, तो आप समझ सकते हो कितना पावरफुल रहा होगा। और कनिष्क ने यहाँ पे ना बहुत बड़ा स्तूपा इरेक्ट किया था, ठीक है, भगवान बुद्ध का स्तूप इरेक्ट किया था, बहुत ही बड़ा, कहते बहुत विशाल। इसके बारे में हमें कैसे पता है, यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, लेकिन आप दूसरी हिस्ट्री किताब पढ़ोगे तो वहाँ मेंशन है कि ये जो स्तूप था ना पुरुषपुर में या कनिष्कपुर में, ये दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक था, और बहुत फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे, और बहुत फॉरेन ट्रैवलर्स ने इसके बारे में लिखा है, यहाँ तक कि ग्रीक के राइटरों ने लिखा है, चाइनीज राइटरों ने भी लिखा है, ठीक है, अरब के राइटरों ने भी लिखा है इसके बारे में, ठीक है। सक्सेसर्स ऑफ कनिष्क, कनिष्क के सक्सेसर कौन कौन हुए, बहुत सारे थे, एक उनमें से सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट था हुविश्क, हुविश्क 30 साल तक राज करता है, ठीक है, और इसने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स चलाए, कॉपर कॉइन्स भी बहुत चलाए इसने, और इसका इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमें मथुरा से, उसके राज के बारे में बताते हैं, उसका वेस्ट काबुल पे भी, काबुल के वेस्ट पे भी अच्छा पकड़ थी उसकी, है ना, और इंस्क्रिप्शन वहां से भी मिलते हैं हमें। हुविश्क ने ही मैक्सिमम वैरायटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आए कि कौन से राजा ने सबसे मैक्सिमम वैरायटी ऑफ गोल्ड कॉइन किए थे, तो हुविश्क ने किए थे, ठीक है। और जैसा कि कुषाण लोग करते थे, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं किताबों में, कि उनके कॉइन्स में ना फ्रंट साइड में राजा होता था और पीछे की साइड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई भगवान के इम्प्रेशन होती थी। अब वो भगवान कौन से होते थे, भगवान या तो इंडिया के होते थे, या ईरानियन, या सेंट्रल एशियन, या फिर हेलेनिस्टिक पैंथियंस, मतलब हो गया आपका जो ग्रीक के भगवान माने जाते थे वो लोग, ठीक। फिर आरा के इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है किसी कनिष्क टू के बारे में भी, राजा के बारे में, ठीक। फिर वासुदेव एक राजा था, उसने भी 30 साल राज किया, और एपिग्राफिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि कुषाण जो थे लगातार कंट्रोल रखे हुए थे मथुरा पे, मथुरा तो उनकी कैपिटल भी थी, सेकंड कैपिटल भी थी कहीं ना कहीं, ठीक है, फर्स्ट कैपिटल थी उनकी पुरुषपुर पेशावर, और सेकंड कैपिटल थी उनकी मथुरा, ठीक। दो और सक्सेसर्स का पता चलता है वासुदेव के कॉइन्स के थ्रू, कनिष्क 2-3 और वासुदेव 2 के बारे में। लास्ट रूलर माना जाता है इनकी डायनेस्टी का वासुदेव 2 को, ठीक है। वासुदेव 2 के टाइम पे कुषाण का जो एम्पायर था वो कहीं ना कहीं सिकुड़ने लग गया था, साइज कम होने लग गया था। क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि ईरान में एक नई डायनेस्टी का रूल शुरू हो गया था, ससनिद एम्पायर, ठीक है, उनका जो रूलर था शापुरवन, वो कहीं ना कहीं कुशांस पे अटैक करने लग गया था, और कुशांस के एरियाज को जीतने लग गया था, ठीक है। कुशांस के रूल्स के बारे में एक और चीज पता चलता है कि वहां पे ना दो रूलर एक साथ राज करते थे, ठीक है, एक सीनियर रूलर बोला जाता था, एक जूनियर रूलर बोला जाता था, ठीक। और इससे पता चलता है कि सेंट्रलाइजेशन उतना ज्यादा था नहीं वहां पे, है ना, क्योंकि एक रूलर अपने तरफ राज कर रहा है और दूसरा अपने तरफ। इनकी जो एरी किंगडम था, है ना, उसको बहुत सारे क्षत्रापिस में बांटा हुआ था, जैसे शाक्स ने बांटा हुआ था ना अपना क्षत्राप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने भी उन्हीं की तरह कहीं ना कहीं उस चीज को कंटिन्यू किया, और कई सारी क्षत्राप इसमें बांट दिया, और हर क्षत्रापी के ऊपर एक क्षत्राप होता था बड़ा, ठीक है।
फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर आप देखो तो कैसे मानोगे कि एरिया है उसको डिस्ट्रिक्ट्स में कर लिया, जिसको कहोगे क्षत्रापिस, और क्षत्रापिस कई क्षत्रापिस मिला करके एक क्षत्राप के अंडर होता था, तो उसको आप बोल सकते हो कि एक डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया, एक स्टेट बन गया, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने बांट रखा था अपना पूरा अम्पायर, उसको गवर्न करते थे। तो सक्सेसर्स के बारे में पढ़ लिया आपने, अब आप रिलीजियस पॉलिसीज के बारे में पढ़ोगे इनकी, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। डायनेस्टिक सेंचुरी, चलो कुछ नहीं। देखो जैसा कि मैंने बताया कि इनका फील्ड, इनका जो रूल था वो इतना बड़े एरिया पे था, वास्ट एरिया पे था, कि हर जगह अलग अलग रिलीजन की पूजा होती थी, अलग अलग सिंबल्स थे उनके रिलीजन के, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, कुशांस ने सबको प्लीज रखने करने के लिए, है ना, उन्होंने अपने सिक्कों पे कहीं ना कहीं हर एरिया के भगवान को जगह दी, ठीक। और कोशिश करते थे कि जिस एरिया में वो सिक्के चले वो उन्हीं के एरिया में हो जिधर भगवान हो, जिनके भगवान हैं। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं था, हर जगह चलते थे वो, ठीक है। तो आप देखो बट जो ईरान, ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत था कनिष्क के कॉइन के ऊपर, ठीक है। और पीछे में उनके नाम भी मेंशन होते थे भगवान के, ग्रेको बैक्ट्रियन लैंग्वेज में, ठीक है। इसी तरीके से रबाता के इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि रबाता के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि कुशांस भगवान की पूजा करते ही थे, और उनका सोर्स ऑफ पावर कौन था, ईरानियन ओरिजिन के ही थे, ठीक है। जो कौन थे, नाना, नाना वाज द प्रिसाइडिंग डायटी, सबसे ज्यादा डायटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट डायटी थे उस जमाने में, कुशांस के टाइम में कौन थे, नाना थे, ठीक है। फिर भगवान बुद्ध की भी तस्वीर मिलती है हमें सिक्के पे, ये देखो ये वाली ना, और उसको वो बोधो बोल रहे हैं, बोधो बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो दिखाता है कि हाँ उनका झुकाव किसी कहीं ना कहीं बुद्धिज्म की तरफ भी था। बुद्धिज्म के तो उन्होंने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स भी बनवाए थे अफगानिस्तान वगैरह में, जो अब कहीं ना कहीं आईएसआई ने उड़ाया था ना भी बीच में बम लगा करके गुफा, तो वो कनिष्क के टाइम के बने हुए थे, ठीक है। फिर उनके सिक्कों पे शिव की भी मिलती है इमेज, ठीक है, शिव, मित्रा, आहुर माजदा, ठीक है। तो हर जगह के, इवन जो ग्रीक गॉड्स थे उनको भी मिलती है, जोरास्ट्रियंस के भी मिलती है, ब्राह्मणिकल्स के भी मिलती है, बुद्धिस्ट के भी, हर किसी के जो इम्पोर्टेंट भगवान थे सबकी फोटो हमें मिलती है इनके कॉइन्स के ऊपर में, ठीक है। यहाँ तक कि जो रोमन्स वगैरह थे उनके भी गॉड्स की फोटो इनके सिक्कों पे मिलती है। कहा जाता है कि ये ऐसा इसलिए था कि ताकि वो लोग इंडिया के साथ ट्रेड करें, और उनको खुश करने के लिए सिर्फ था, है ना, कि हाँ देखो हम तुम्हारे भगवान को भी उतना इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो ये बड़े डिप्लोमेटिक थे कहीं ना कहीं, आप देखो कुशांत है ना, उन लोगों ने देखा कि भाई लोगों के साथ अगर हम किसी एक भगवान को डालेंगे तो दूसरे इलाके के लोग बोलेंगे ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बड़े डिप्लोमेटिकली किया, है ना। और सब जानते थे कि भगवान से, भगवान की फोटो को सिक्के पे डालने का रीजन क्या हो सकता है। दो रीजन था, एक तो कि हाँ भाई लोगों को एसोसिएट कराना, है ना, और दूसरा ये दिखाने की कोशिश कि देखो एक ही सिक्के पर भगवान और कनिष्क दोनों हैं, या कनिष्क या फिर हविष्क जो भी कॉन्टेम्प्रेरी कुषाण रूलर था वो इक्वेलेंट है भगवान के, वो ये भी दिखाना चाहते थे, ठीक है, एक इमेज बनाना चाहते थे। तो मीडिया तो होता नहीं था, तो यही उनका मीडिया था, ठीक है। अब डायनेस्टिक सेंचुरीज की बात करें तो देखो ये लोग, मैंने बताया कि हर एरियाज में इनकी इतना विशाल एरिया था कि हर जगह पे अलग अलग रिलीजन्स फॉलो किया जाता था। तो इन लोगों ने क्या किया कि उसी तरीके से सेंचुरीज बनाई, सेंचुरीज मतलब आपका एक स्थान बनाया गया, ठीक है, देवों को पूजा करने के लिए स्थान, जैसे हम मंदिर वंदिर बनाते हैं वैसे उसी टाइप में, ठीक है, सेंचुरीज बनाई गई। और वहां पे भगवान के लोकल गॉड्स की तो मूर्तियां होती ही होती थी, साथ में किन की मूर्तियां होती थी, इनके राजाओं की भी मूर्तियां होती थी। फॉर एग्जांपल आप देख लो कौन कौन सी जगहों पे मिली है मूर्तियां,
सुर्ख कोटल करके जगह है, ठीक है, इवन मथुरा में भी था ऐसी सेंचुरी, है ना, मत करके जगह है मथुरा के पास में, वहां पे भी था, ठीक है, विम कटाफिस ने बनवाई थी वहां पे, ठीक है। सुर्ख कोटल में भी डायनेस्टिक सेंचुरी हमें मिलती है, ठीक। इन सेंचुरीज में क्या होता था कि रबादक इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है कि कनिष्क वन ने एक सेंचुरी बनवाई थी जिसका नाम था नाना सेंचुरी, और इसमें कौन कौन थे, डिफरेंट डाइटीज तो थे ही थे, है ना, हर एरिया के भगवान तो थे ही थे, साथ में कुषाण रूलर्स भी थे। कौन कौन से कुषाण रूलर्स, कुजल कड़फिस, विम टकटू, विम कड़फिस और कनिष्क खुद, ठीक है। और इस इंस्क्रिप्शन में कनिष्क को बागो बोला गया, मतलब गॉड हिमसेल्फ बोला गया है। तो इस तरीके से सेंचुरी बनाया जाता था, सेंचुरी बोल लो या फिर वर्शिपिंग का जगह था, है ना। और जब लोग यहाँ आते थे, भगवान की पूजा करते थे, और साथ में ही कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो एम्पायर की भी पूजा करने लग गए, है ना, इन रूलर्स की भी पूजा करने लग गए, तो एक तरीके से अपने आप को भगवान के बराबर ये लोग दिखाने लग गए थे कि हाँ देखो हम कितने पावरफुल हैं, भगवान के बराबर हैं, ठीक है, कुशांस। और लोगों ने भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया था। और आप देखो इंडिया का जो इंटरेक्शन था उस जमाने में कहाँ से कहाँ तक था, दोआब से लेकर के आपका इंडो इरानियन बॉर्डर तक था कांटेक्ट, है ना। तक्षशिला बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर होता था, मथुरा तो इम्पोर्टेंट सेंटर था ही था क्योंकि कैपिटल ही थी उनकी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है जब एक ही पूरा सिस्टम है तो लोग यहाँ से वहाँ आते जाते होंगे, तो आते जाते होंगे तो बहुत ज़्यादा कल्चरल इम्पैक्ट एक दूसरे पे छोड़ा, है ना, और लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आकर के बस भी गए, है ना, बिजनेस के वजह से या फिर जॉब के वजह से, जो आज भी होता है ना, लोग इधर उधर ट्रैवल करते ही हैं। मतलब किसी की साउथ इंडिया में जॉब लग जाए, कोई आईटी का बंदा है ना, बैंगलोर में लग गई उसको अच्छी जॉब लग गई, सालों वहीं रह गया था, वही मकान वकान बना लेता है, उसके बच्चे भी वहीं पढ़ने लग जाते हैं, फिर वहीं का वहीं रह जाता है आजकल, ये सब चीज़ें बहुत होने लगी, वैसे पहले ज़माने में भी होती थी। न्यू एलिमेंट्स इन द इंडियन सोसाइटी, ऑब्वियसली बात है, इतना ज़्यादा, अगर मैं इसको इतना ज़्यादा डिटेल में ले रहा, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब देखो इतने सारे लोग पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इंडिया आए, है ना, कौन कौन से आए, ग्रीक्स आए, शार्क्स आए, पार्थियंस आए, कुशांस आए, तो ये लोग जब आए इंडिया तो ये लोग कितना कुछ अपने सोसाइटी का चीज़ों को लेकर के आए, है ना, उनका खाना पीना, रहन सहन, कपड़ा पहनना, बोलना, लैंग्वेज, है ना, कितना कुछ लेके आए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो वो सब धीरे धीरे, और इंडिया का भी था तो यहाँ के लोगों से, उन लोगों ने सीखा, उनके लोगों ने यहाँ का सीखा, और ज़्यादातर टाइम क्या हुआ कि जो बाहर से लोग आए थे उनका इंडियनाइजेशन हो गया, ठीक है। और मनुस्मृति का जो राइटर है मनु, उसने तो ये तक बोल दिया कि शाक और पार्थियंस जो थे वो क्षत्रिय थे जो अपनी ड्यूटी से भटक गए थे कहीं ना कहीं, तो इनको सेकंड क्लास क्षत्रिय बोला जाने लग गया, ठीक है, और ये यही इंडिया में रहने लगते लग गए थे, शाक्स और पार्थियंस, और इनको सेकंड क्लास क्षत्रिय बोला जाता था। अब इंडिया ने भी बहुत कुछ सीखा, घोड़ों का इस्तेमाल करना, है ना, वहीं से आया, फिर घोड़ों के बाद उसका सैडल को घुड़सवारी करते समय सैडल वगैरह जो है होती है ना, गद्दी जो होती है घोड़े की, वो सब भी इंडिया ने इन्हीं लोगों से सीखा, है ना। साथ में कुशान की घोड़े पर सवारी करते हुए बहुत सारी फिगर्स मिले हमें, कहाँ से, अफगानिस्तान के बेगराम से, ठीक। फिर शाह और कुशान से यहाँ के लोगों ने सीखा टर्बन पहनना, ट्यूनिक, ट्राउजर्स पहनना, हैवी लॉन्ग कोट पहनना, ठीक है, कैप्स, हेलमेट, बूट्स वगैरह पहनना, सेंट्रल एशियन वॉरियर्स से सीखा, ठीक है। फिर उनकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी वो भी धीरे धीरे इंडिया में स्प्रेड हो गई, है ना। अब देखो नॉन मोनार्कियल पावर्स पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, है ना, क्या था कि जब मॉडर्न्स कमजोर पड़े, है ना, तो जो दूर दूर के इलाकों में थे वो लोग क्या थे, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव तो थे ही ना पहले से, ऐसा तो था नहीं कि हर जगह राजा ही बैठता था वहां जाकर के, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव राज करते थे, है ना, या फिर वहाँ लोकल्स पावरफुल थी, ट्राइब्स कुछ एक, तो वो लोग दबी हुई थी कहीं ना कहीं, है ना, मौर्य के अंडर में जब तक थे, या फिर शाक वगैरह जब तक आए हुए, शाक्स वगैरह से पहले, सॉरी। तो जैसे ही मौर्य का कंट्रोल
ख़त्म होने लग जाता है ना, डूबने लग जाता है मॉरियंस। तो ये जो लोकल फैमिलीज थी ना, है ना, रॉयल फैमिलीज या डोमिनेंट क्लैंस के जो लोग थे, ये लोग फिर से उठने लग जाते हैं। और ये खास करके कौन से एरियाज में, पंजाब, राजस्थान और यूपी के एरिया में। ठीक है, तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो क्लैंस वगैरह या इम्पॉर्टेंट फैमिलीज थी उनका नाम देखें हम, तो कौन थे, औदुम्बर्स, योथेस, मालवास, सिब्बी, वृश्णी, कुनिंदास। ठीक है, ये लोग थे। अगर हम इनके एरियाज के बारे में बात करें तो औदुम्बर लोग जो थे रावी और ब्यास के अपर सेक्शन में ये लोग लैंड ऑक्यूपाई करते थे। ठीक है, कुनिंदास अपर कोर्स ऑफ ब्यास एंड यमुना, मतलब ये कुनिंदास लोग जो आज का आपका सदर्न हिमाचल प्रदेश है और नॉर्दर्न उत्तराखंड, उस एरियाज में कुनिंदास लोग थे। ठीक है, फिर त्रिगर्तर लोग रवि सतलज के बीच में जो प्लेन का एरिया है वहाँ। ठीक है, योद्धेज लोग कौन थे, सतलज और यमुना के बीच में जो प्लेन एरिया वो, साथ में ईस्टर्न राजस्थान का एरिया योद्धेज का। ठीक है, फिर आए आपके अरुण, अर्जुन न्यास, मालवास और सिब्बीज, ये राजस्थान के डिफरेंट पार्ट्स में थे ये लोग। ठीक है, अर्जुन न्यास, मालवास और सिब्बीज, पाणिनि भी, पाणिनि जो थे, पाणिनि, महाभाष्य के पाणिनि, उन्होंने भी इन चीजों को मेंशन किया। ठीक है, मतलब ये बातें सच है। विद द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर इनको ऑटोनॉमी मिलने लग गई, है ना, और ये लोग कंट्रोल करने लग गए अपना एरियाज को। ठीक, बट इनकी जो पीस थी ना ज़्यादा दिन चली नहीं, इनका राज ज़्यादा दिन चला नहीं, क्योंकि फिर इंडो ग्रीक्स आ गए, कुशांस वगैरह आ गए, है ना। सबसे पहले अगर आप देखो तो मेंडर वन आता है जो कि कंकर करता है दोनों साइड, पंजाब के ईस्ट वेस्ट दोनों, है ना, और मालवास को फोर्स कर दिया जाता है कि वो हरियाणा के रीजन की तरफ बढ़े, है, और उसके बाद फिर वो ईस्टर्न राजस्थान में चले जाते हैं। ऐसा ही हुआ सिब्बीज के साथ जो राजस्थान में रहते थे। फिर मालवास के तरह ही सिब्बीज भी माइग्रेट कर गए ईस्टर्न राजस्थान की तरफ, है ना। फिर योथेस की बारी आई, योथेस माइग्रेट किए। योथेस को किसने हटाया, इंडो ग्रीक्स ने हटाया अपने एरिया से, और ये लोग किस तरफ आ गए, हरियाणा के, आज के हरियाणा के रोहतक की तरफ आ गए। ठीक है, लेकिन बाद में फिर साक पल्लवाज आए, इन्होंने इनको राजस्थान की तरफ ढकेल दिया। ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये अपने वापस जगह पे चले गए। ठीक है, लेटर कुशान के टाइम पे कुनिंदास को भी किसने हराया, कुशांस ने हराया हराया। फिर वृश्णीज हुए, वृश्णीज का सिनारियो थोड़ा डिफरेंट था, वो कुशांस के रूल का सामना उन्होंने किया। ठीक है, लेकिन उन्होंने कुशान के, कुशांस का जब खत्म हो गया काल तो वो लोग फिर से रिवाइव कर गए। ठीक है, और उन्होंने योद्धेस जो थे उनको हटा दिया उनके एरिया से भी। ठीक, तो ये सब किसके पार्ट थे, ये सब पार्ट, ये सब कहीं ना कहीं गणसंघ स्टेट थे। गणसंघ स्टेट के बारे में आप पढ़ोगे आगे चल करके डिटेल में। ठीक है, फिलहाल आप इतना ही जानो कि ये गणसंघ स्टेट कहलाते थे। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी थे ये गणसंघ स्टेट कहलाते थे, या कि गण मतलब कम्युनिटी होता है। ठीक है, लेकिन इनको कुछ एक बुक्स में बोला जाता है रिपब्लिक्स बोला जाता है, ट्राइबल स्टेट्स बोला जाता है, बट आप गणसंघ याद रखो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो ये था आपका पूरा चैप्टर, मैंने पूरी कोशिश की डिटेल में पढ़ाऊँ आपको, है ना, जितना डिटेल में हो सकता था बताया मैंने, और कुछ बातें तो बुक की छोड़नी ही पड़ती हैं क्योंकि एक्स्ट्रा दिया रहता है। तो होप कोई आपको डाउट ना हो, कहीं पे डाउट होगा तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में लिखो, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। ठीक है ना, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।